गुड मॉर्निंग। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिजाइन ऑफ सिंपल बैंड ब्रेक। ये स्क्रीन पर हमको फिगर दिख रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं सिंपल बैंड ब्रेक। सिंपल बैंड ब्रेक में क्या क्या है? सिंपल बैंड ब्रेक कंसिस्ट्स ऑफ, यहाँ ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये रोटेटिंग ड्रम है, यहाँ ड्रम है, ये हो गया शाफ्ट। शाफ्ट और ड्रम एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ की। यहाँ आउटर लाइनिंग जो दिख रहा है या ब्लैक 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 कलर में ये जो दिख रहा है, दिस इज ये है बैंड। बैंड थ्रू अलोंग द सर्कमफेरेंस कनेक्टेड प्लेस्ड होता है ड्रम के ऊपर, और जहाँ दोनों ड्रम और बैंड के बीच का जो इंड कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, जो कि यहाँ हम दिखा रहे हैं एंगल थीटा से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैप। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ड्रम का जो रेडियस है आर। इस फिगर में, इस डायग्राम में जो ड्रम है ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ड्रम रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ बैंड और ड्रम के बीच का जो इंड कॉन्टेक्ट पॉइंट है कहाँ का है? एल और एम पॉइंट पर है, ठीक है। अब अपना एम है कि जो रोटेटिंग ड्रम है इसको, इसके मोशन को स्टॉप करना। तो इसके लिए हम कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए जो अरेंजमेंट होता है, ये लीवर है, लीवर ओ से लेकर के सी तक, ओ टू सी, दिस इज लीवर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि बैंड का एक इंड कनेक्ट कर देते हैं लीवर के एक इंड पर, दैट इज़ ओ पॉइंट पर, और दूसरा हम कनेक्ट कर दिए यहाँ लीवर के पॉइंट बी पर। ओ से बी के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल बी, और यहाँ ओ से सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल एल। अब हमको इस जो रोटेटिंग ड्रम है इसके मोशन को स्टॉप करना है, तो मोशन को स्टॉप करना है तो चूंकि ओ पॉइंट पर लीवर क्या है? हिंज है। अब यहाँ से हम सी पॉइंट पर पी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम अप्लाई करेंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में चूंकि ओ पॉइंट पर हिंज है, सी पॉइंट पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो लीवर सी पॉइंट पर क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव होगा। जब ऊपर की तरफ, चूंकि पी ओ पॉइंट पर तो ये हिंज है, तो ओ के अबाउट क्या होगा? सी पॉइंट पर ये अपर डायरेक्शन में जब मूव होगा, तो ये जो बैंड है जो ये ब्लैक कलर में दिख रहा है, बैंड किसके कॉन्टेक्ट में आएगा? ड्रम के कॉन्टेक्ट में आएगा। जब ड्रम के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ड्रम का मोशन क्या होगा? ये स्टॉप या रिटार्ड करेगा, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर ड्रम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो बैंड का वो एंड जो ओ पॉइंट से कनेक्टेड है ये हो जाए, ये पोर्शन को बोलेंगे हम स्लैक साइड, और जो बी पॉइंट से कनेक्टेड है इसको बोलते हैं टाइट साइड। सिमिलरली अगर हम दूसरे फिगर की बात करें, तो दूसरे फिगर में ये जो ड्रम रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस केस में ओ पॉइंट से जो बैंड का पोर्शन कनेक्टेड है ये हो जाएगा टाइट साइड, और बी पॉइंट से जो पोर्शन कनेक्टेड है बैंड का वो हो जाएगा स्लैक साइड, ठीक है। अब एक थोड़ा सा सेंटेंस में यहाँ हम लोग ये मेंशन किए हैं कि बैंड ब्रेक कंसिस्ट्स ऑफ ए फ्लेक्सिबल बैंड। जो बैंड है फ्लेक्सिबल होता है, ये लेदर का हो सकता है या स्टील विथ फ्रिक्शन लाइन। ए बैंड ब्रेक कंसिस्ट्स ऑफ ए फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ लेदर और स्टील लाइन विथ फ्रिक्शनल मटेरियल विच एम्ब्रासेस ए पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द ड्रम। अब यहाँ नेक्स्ट, व्हेन ए फोर्स पी इज अप्लाइड टू द लीवर एट सी, यहाँ हम बात करें पी फोर्स सी पॉइंट पर अब हम अप्लाई करेंगे, द लीवर टर्न्स अबाउट द फल्क्रम ओ। जब हम यहाँ पी सी पॉइंट पर पी फोर्स अपर डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो लीवर किसके अबाउट टर्न होगा? ओ पॉइंट के अबाउट अपर डायरेक्शन में, एंड टाइटन्स द बैंड
on the drum and hence the brakes are applied. जब हम P force upward direction में apply करेंगे तो जो band है वो drum के contact में आएगा और drum के contact में आएगा तो drum के contact में आएगा तो उसके जो motion है उसको वो retard करेगा या stop करेगा. Now, अब यहाँ से terminology T1 is the tension in tight side of the band, T2 tension in the slack side of the band, theta angle of lap, mu coefficient of friction, R radius of drum, T thickness of band, RE that is called effective radius. Effective radius means radius of drum plus half of the thickness of band, means RE is equal to R plus T by 2. अब हम यहाँ देखें कि डिज़ाइन, हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, सिंपल बैंड ब्रेक में डिज़ाइन कैसे करेंगे. तो सिंपल बैंड ब्रेक में क्या क्या है जो हमको डिज़ाइन करने, एक लीवर है, लीवर के पास पिन लगा हुआ है, बैंड है और साफ्ट है, साफ्ट और लीवर, साफ्ट और ड्रम एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ की. तो जो पार्ट्स है उसका डिज़ाइन हम कैसे करेंगे, तो ये डिज़ाइन प्रोसीजर हम लोग ध्यान रखें. सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा वैल्यू ऑफ T1 एंड T2. तो T1 T2 यानी कि टेंशन इन टाइट साइड, टेंशन इन स्लैक साइड. तो दो अननोन है T1 एंड T2. तो दो अननोन को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए. तो एक इक्वेशन T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा और दूसरा ब्रेकिंग टॉर्क TB इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू R. जहाँ T1 क्या है, टेंशन इन टाइट साइड, T2 क्या है, टेंशन इन स्लैक साइड एंड रेडियस क्या, आर के स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ड्रम. तो बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2. T1 T2 का वैल्यू निकल गया. अब यहाँ से हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट टू फाइंड डायमीटर ऑफ शाफ्ट. शाफ्ट मीन्स जिस शाफ्ट के शाफ्ट, जो शाफ्ट और ये हो गया रोटेटिंग ड्रम, शाफ्ट और ड्रम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ की. तो ये जो शाफ्ट है इसका हम डिज़ाइन करना है. तो फर्स्ट टू फाइंड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. तो शाफ्ट रोटेट हो रहा है यानी कि ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होगा तो उस पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा. तो हम जानते हैं T बाई J इज इक्वल टू टाउ बाई R, या सिंप्लीफाई कर लें तो T इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ इंटू DQ. यहाँ से हम सब वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे D, यानी कि D इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डिजाइन ऑफ शाफ्ट ओवर. अब इसके बाद से डिजाइन ऑफ की में क्या होगा, विड्थ होगा, थिकनेस होगा, लेंथ होगा ना. तो डिजाइन शाफ्ट डाया हमको पता चल गया है. तो अकॉर्डिंग टू शाफ्ट डायमीटर हम या तो मशीन डिजाइन डेटा बुक से जा करके वहाँ से उस की का विड्थ और की का थिकनेस वहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, या इम्पेरिकल रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं. विड्थ ऑफ की इज इक्वल टू डी बाई 4 एंड थिकनेस ऑफ की टी इज इक्वल टू डी बाई 6. तो यहाँ से हम की का विड्थ, की का थिकनेस फाइंड आउट कर लेंगे. अब हम थर्ड जो पैरामीटर बचा, डायमेंशन बचा, लेंथ ऑफ की. तो लेंथ ऑफ की के लिए हम जो की फेल होगा ड्यू टू सीयर एंड ड्यू टू क्रशिंग. तो एक बार कंसिडर कर लें, कंसिडर सीयर फेल्योर ऑफ की. तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई सीयरिंग एरिया इंटू डी बाई 2 रेडियल डिस्टेंस. तो यहाँ से सीयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई सीयरिंग एरिया क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ की इंटू लेंथ इंटू डी बाई 2. अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ एल, जहाँ टाउ क्या है, सीयर स्ट्रेस, W क्या है, विड्थ ऑफ की जो कि ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, D क्या है, शाफ्ट डायमीटर. तो सिर्फ अननोन क्या बचेगा, L यानी कि लेंथ ऑफ की. तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ ऑफ की. सेकेंड वन, कंसीडर क्रशिंग फेल्योर ऑफ की. क्रशिंग फेल्योर, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रशिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई क्रशिंग एरिया इंटू रेडियल डिस्टेंस. तो क्रशिंग स्ट्रेस दैट इज सिग्मा सी, क्रशिंग एरिया क्या हो जाएगा, T बाई 2 इंटू L, और रेडियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D बाई 2. तो यहाँ सबका वैल्यू जब हम पोर्ट करेंगे यहाँ से निकालेंगे L यानी कि लेंथ ऑफ की. एक लेंथ ऑफ की हमने निकाला क्रशिंग फेल्योर से और दूसरा लेंथ ऑफ की हमने निकाला सीयर फेल्योर से. दोनों लेंथ ऑफ की का जो वैल्यू, उसमें जो ग्रेटर वैल्यू जो आए होगा वो उसको हम कंसिडर करेंगे लेंथ ऑफ की.
तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट ओवर डिजाइन ऑफ की ओवर. नाउ थर्ड, टू फाइंड लेंथ ऑफ लीवर. लेंथ ऑफ लीवर के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ, ओ के अबाउट मोमेंट लेंगे, और जो टी वन यानी कि टेंशन इन टाइट साइड को हम के इफेक्ट को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे ऑलवेज. यानी कि टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ एंड नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ टी वन. तो टी वन को हम जब नेगलेक्ट कर दिए, टी वन को जब हम यहाँ नेगलेक्ट कर दिए तो बचा क्या, टी वन के को नेगलेक्ट कर दिए तो बचा क्या, सिर्फ पी. तो मोमेंट क्या हो जाएगा, पी इंटू एल. तो यहाँ से मोमेंट एम इज इक्वल टू पी इंटू एल, जो फोर्स अप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ लीवर. यहाँ से हमको एल का वैल्यू निकल जाएगा कि टोटल एल कितना है. एम निकालने के लिए हम जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला, जो कि लीवर पर कौन सा स्ट्रेस लगेगा, बेंडिंग स्ट्रेस. तो बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला हम जानते हैं एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई. अब यहाँ से आई, अगर लीवर सर्कुलर सेक्शन का है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डी पावर फोर बाई सिक्सटी फोर. वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई टू. अगर लीवर रेक्टेंगुलर सेक्शन का है तो आई मोमेंट ऑफ एनर्सिया आई इज इक्वल टू बी डी क्यू बाई ट्वेल्व एंड वाई इज इक्वल टू डी बाई टू. तो यहाँ से आई वाई का वैल्यू सर्कुलर सेक्शन है तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे, और रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे. यहाँ से आई वाई का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ एम. एम का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, निकल जाएगा वैल्यू ऑफ एल. नाउ इसके बाद से डिज़ाइन ऑफ पिन. डिज़ाइन ऑफ पिन यानी कि डिज़ाइन ऑफ पिन, यहाँ से जो बैंड है ये और जो लीवर है ओ पॉइंट पर थ्रू पिन यहाँ कनेक्टेड होता है. तो यहाँ से इस पिन का डिज़ाइन हमको करना है. तो पिन में क्या होगा, एक डायमीटर होगा और पिन का लेंथ होगा. तो हमको फाइंड आउट करना है डिज़ाइन ऑफ पिन. तो डिज़ाइन ऑफ पिन के लिए यहाँ से जो मैक्सिमम फोर्स जो लगेगा पिन पर वो क्या हो जाएगा, टेंशन इन टाइट साइड दैट इज टी वन. तो टी वन इज इक्वल टू यहाँ से बियरिंग प्रेशर, उसकी जिसमें ट्रेल का बना हुआ है उसका बियरिंग प्रेशर मल्टीप्लाई बाय बियरिंग एरिया. बियरिंग एरिया क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया, यानी कि डायमीटर ऑफ पिन मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ पिन. पिन का डायमीटर हम एज्यूम कर रहे हैं डी वन, लेंथ ऑफ पिन एज्यूम कर रहे हैं एल वन. तो यहाँ से टी वन यानी कि मैक्सिमम टेंशन टी वन इज इक्वल टू बियरिंग. टी वन क्या है, फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, फोर्स. तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया भी क्या हो जाएगा, फोर्स. तो बियरिंग प्रेशर ऑफ पिन मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया यानी कि बियरिंग एरिया ऑफ पिन यानी कि डी वन इंटू एल वन. अगर क्वेश्चन में एल वन दिया है तो ओके, अगर एल वन नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि एल वन इज इक्वल टू यानी कि लेंथ ऑफ पिन इज इक्वल टू 1.25 इंटू डायमीटर ऑफ पिन. बियरिंग पी भी क्या है, बियरिंग प्रेशर जो कि क्वेश्चन में गिवेन रहेगा, या अगर नहीं गिवेन है तो पिन जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का नाम लिखा होगा, मेंशन होगा, तो उस मटेरियल से हम क्या करेंगे, मशीन डिजाइन डेटा बुक में जा करके वहाँ से हम बियरिंग प्रेशर का वैल्यू लेकर आएंगे. तो वहाँ से बियरिंग प्रेशर नोन रहेगा. तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ डी वन. डी वन का वैल्यू निकल गया तो डी वन में 1.25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको निकल जाएगा वैल्यू ऑफ एल वन. तो ये टोटल ये हो गया डिजाइन, टोटल डिज़ाइन ऑफ सिंपल बैंड ब्रेक. थैंक यू.